हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारी चैनल में। आज हम क्रेटा लेके जा रहे हैं, जिसमें हमारा क्लच का नीचे वाला जो पैडल आता है वो एकदम से लूज़ हो चुका है, और उसके लिए हमें इसे रिपेयरिंग करने के लिए अभी लेके निकल रहे हैं। जब भी हमारी गाड़ी में क्लच का मास्टर सिलेंडर जो ऊपर आता है वो जब भी टूट जाता है थोड़ा डैमेज हो जाता है, तब हमारा क्लच का जो पैडल है वो कभी कभी नहीं आता है अथवा एकदम लूज़ पड़ जाता है। तो उसके लिए हमें वो क्लच मास्टर सिलेंडर को एक्सचेंज करके नया डालना पड़ता है, जैसे कि ह्यूंडई की बहुत सारी गाड़ियों में और दूसरी कंपनी की सारी गाड़ियों में भी क्लच सिलेंडर आता है। तो फिर जब भी हम अपनी गाड़ी का क्लच बनवाते हैं, जैसे कि ह्यूंडई क्रेटा है, वेन्यू है, i20 है, पेट्रोल, तो फिर हमें क्लच के साथ साथ क्लच का मास्टर सिलेंडर और क्लच का स्लू सिलेंडर दोनों चेंज करवाना पड़ता है, जिससे हमें क्लच में बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है। तो फिर जितना हो सके उतना आप क्लच सिलेंडर, क्लच सेट और क्लच स्लू सिलेंडर तीनों एक साथ चेंज करें, तो आपको बेटर ऑप्शन मिल जाता है कि आप रास्ते में कहीं पे भी हैरान नहीं हो सकते। अगर आपने सिर्फ क्लच बदलाया है और सिलेंडर का कोई प्रॉब्लम लग नहीं रहा है, फिर भी आपको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म जाके ख़राब हो सकता है, अच्छा बीच रास्ते में आपको रख सकता है, ऐसा भी प्रॉब्लम आता है। तो फिर आज हम इसमें डालेंगे क्रेटा में ह्यूंडई का क्लच मास्टर सिलेंडर और नीचे का क्लच स्लू सिलेंडर, जो मेरे को दोनों पैर में गिरेगा लगभग 9500 से 10000 आसपास सेट आता है उसका। और उसके अलावा हम इसमें ब्रेक ऑयल का ब्लेडिंग करेंगे, उसकी एयर निकालेंगे